फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माई चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में, जो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसके बारे में अपलोड किया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ओके, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो था उसके अंदर, यानी जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा, उसके अंदर हमने स्टडी किया था कि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी, मतलब डेल्टन जो था उसने एटम के बारे में कि एटम क्या होता है, एटोमियो जिससे वो उस वर्ड का फाउंडेशन हुआ, यानी उस वर्ड का जो बनाया गया है जिससे उसको, उससे डेल्टन्स ने एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने जो है काफ़ी सारे लॉज दिए थे एटम को एक्सप्लेन करने के लिए। वो है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब जो है इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, यानी हमने स्टडी कर लिया कि एक एटम क्या होता है। ओके, हमने देख लिया है कि एक एटम क्या होता है, अब हम देखेंगे कि इस एटम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जैसे कि उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम मान लेते हैं एक एग्जांपल कि हमें एक घर बनवाना है। घर बनवाने के लिए हम पहले बेस बनवाते हैं, बेस बनवाने के बाद में उसके इंटीरियर्स बनवाते हैं। तो हमें पता चल गया है कि उसका बेस क्या है, यानी कि एटम हो गया। अब हम उसके इंटीरियर्स बनवाएंगे, यानी इंटीरियर्स के लिए हमें पता होना चाहिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। ओके, तो हम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है इनकी डिस्कवरी हुई कैसे। देखिए, एक्चुअली में हुआ क्या था कि डेल्टन ने जो है इन लॉज के थ्रू एक्सप्लेन तो कर दिया था कि एटम क्या होता है, लेकिन डेल्टन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब भी हम कोई ग्लास या फिर कोई इबोनाइट से अगर हम सिल्क को या फर को जो है रब करते हैं, मतलब कि कोई भी ग्लास या इबोनाइट को सिल्क से या फर के थ्रू रब करते हैं, तो क्या होता है कि उससे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। मतलब हम जब बच्चे थे तो हम एक स्केल लेते थे, स्केल को लेके हम अपने हेयर्स पे रब कर लेते थे और उससे हम पेपर को जो है अट्रैक्ट करते थे। तो वो क्यों होता है ऐसा, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, इसके थ्रू जो है हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली। इसके बाद में जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शुरुआत हुई। ओके, काफ़ी सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एटम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक एटम के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, उनकी डिस्कवरी जो है इस चैप्टर के अंदर होगी। लेट मी टेल यू कि ये चैप्टर जो है कम्प्लीट एक स्टोरी की तरह है। मतलब अगर आप इस चैप्टर को एक स्टोरी की तरह पढ़ते रहेंगे कि आगे से आगे हर चीज़ को पीछे से रिकनेक्ट, जैसे हम एक स्टोरी को सुनते हैं, वैसे ही अगर हम इस चैप्टर को करेंगे तो हमें ये थ्योरीज, ये डिस्कवरीज जो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ईजिली याद हो जाएगी, ईजिली हमें समझ आ जाएगी और हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। तो प्लीज़ बिल्कुल अच्छे से इन स्टोरीज को, इन डिस्कवरीज को समझिए। ओके, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए। ओके, कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जैसी कोई चीज़ प्रेजेंट होती है क्या, तो उसके लिए सबसे पहले ये बता दूँ कि इसको डिस्कवर किसने किया था। इसको 1830 के अंदर, ओके, माइकल फैराडे जो है उसने फिजिक्स में भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं। उन्होंने जो है, माइकल फैराडे ने जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बहुत हेल्पफुल रोल प्ले किया था। उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट किसी भी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। ओके, ये कोई भी सॉल्यूशन है, इसके अंदर ये कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से जब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, तो उन्होंने देखा था कि कुछ मैटर जो है वो लिबरेट होके सॉल्यूशन में जा रहा है और कुछ मैटर जो है वो इस इलेक्ट्रोलाइट पे जो है डिपॉजिट होता जाता है। ओके, कुछ लिबरेट होता जाता है और कुछ डिपॉजिट होता जाता है। ठीक है, ये जो लिबरेशन और डिपोजिशन का जो प्रोसेस था कम्प्लीट, इसके बारे में जब माइकल फैराडे ने स्टडी किया, तो उनके जो है काफ़ी सारे उन्होंने सजेशंस दिए, कुछ उनके रूल्स निकले, उसके थ्रू ही उन्हें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है मेन वो मिला, कि आइडिया मिला कि हमें जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फर्दर करना चाहिए, मतलब डिस्कवरी करनी चाहिए एटम के अंदर सब पार्टिकल्स क्या क्या प्रेजेंट हैं। ओके, 1850s के अंदर जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्टार्टिंग हुई थी। ओके, इसमें क्या था, एक सबसे पहले क्या क्या यूज़ किया गया था इसके अंदर, माइकल फैराडे ने तो इसको एक्सपेरिमेंट को डेवलप किया ही था। इसके अंदर एक कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब को लिया गया था। ओके, एक इसके अंदर कैथोड एंड है और एक इसके अंदर जो है एनोड एंड है। ओके, चलिए अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। अब इसमें क्या किया गया था, लेट मी टेल यू। एक इसमें हो गया
कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब लिखी थी, कैथोड एंड था, एक था इसके अंदर एनोड एंड. ओके, अब जब इसके अंदर जो है हाई वोल्टेज, लेट मी टेल यू हियर, ये देखिए हाई वोल्टेज की जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया गया था, ये हाई वोल्टेज की जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया गया था, कंप्लीट जो एक्सपेरिमेंट था, वैसे तो ये विलियम क्रूक्स और जूलियस प्लकर ने जो है कंप्लीट परफॉर्म किया था. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बताया गया था, कि जब एक हाई वोल्टेज, यानी कि यू मान लेते हैं कि 10,000 volts, ओके 10,000 volts की जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को जो है अप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोड्स पे कंटेनिंग गैस एट अ वेरी लो प्रेशर, मतलब इसके अंदर जब क्या हो, इसके अंदर वैक्यूम के अंदर गैस भी प्रेजेंट हो जो कि बहुत ज़्यादा लो प्रेशर पे हो, यानी कि 10^-4 एटमोसफेयर की गैस भी अगर इसके अंदर प्रेजेंट हो बहुत लो उस पे प्रेशर पे, इट इज़ ऑब्जर्व दैट सम रे फ्रॉम कैथोड, मतलब ऐसा देखा गया है कि कुछ रेज जो हैं वो कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए दिखाई देती हैं, मतलब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो कुछ रेज जो हैं कैथोड से एनोड एंड की तरफ मूव कर रही थी, इन रेज को कहा गया था कैथोड रेज, ये जो मूव कर रही हैं इन्हें कहा गया था कैथोड रेज. ओके, अब इसमें क्या है, द नेचर ऑफ दीज रेज वर फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कैथोड, नेचर ऑफ द कैथोड एंड गैस टेकन, मतलब ये जो रेज मूव कर रही हैं इसके अंदर, ये कैथोड और जो इसके अंदर गैस प्रेजेंट है उन दोनों के नेचर पे इंडिपेंडेंट थी. ओके, लेट मी टेल यू अगेन, जब क्या किया गया हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, ओके, और गैस जो है बहुत लो प्रेशर पे 10^-4 एटमोसफेयर पे इस सर्किट के अंदर फ्लो करवाया गया, तब क्या हुआ था कि कैथोड एंड से कुछ रेज जो है एनोड की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे गई, उन्हें उस वक्त जो है नाम दे दिया गया था कैथोड रेज. ओके, अब पता कैसे चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. ओके, तो इसके बारे में जो है सबसे पहले स्टडी की थी जे थॉमसन ने, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की स्टडी की थी जे थॉमसन ने. उन्होंने क्या देखा, ओके, लेट मी टेल यू, जे थॉमसन ने इसके बारे में स्टडी किया था, जे थॉमसन ने, ओके, और उन्होंने क्या किया, देखा कि ये जो कैथोड रेज हैं ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं. यानी कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं, जब ये रेज जा रही थी कैथोड से एनोड एंड की तरफ, तो थॉमसन ने क्या किया कि उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट जब जो हमने प्लेस किया है इसकी हमें शेडो मिल रही थी, ओके, अगर हमें इसकी शेडो, इसकी हमें इमेज यानी इसकी परछाई हमें जब नहीं मिलती, मतलब ये रेज जो है सीधी ट्रैवल नहीं करती, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कैथोड रेज यहाँ से ट्रैवल की, ऑब्जेक्ट रखा हमने यहाँ, तो हमें उसकी परछाई दिखने लगी, इससे हमें पता चल गया कि कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं. अगर इस ऑब्जेक्ट की हमें परछाई नहीं मिलती, मतलब ये रेज जो है कहीं जाके डाइवर्ट हो रही हैं, लेकिन जब हमें शेडो मिल गई, इसकी परछाई मिल गई, मतलब ये जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं. नेक्स्ट है, दे वर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द साउथ पोल इन मैग्नेटिक फील्ड, दिस प्रूव दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज, मतलब जब ये रेज जो है मूव कर रही थी, ओके, हमने दो प्लेट्स रखी, एक तरफ हमने रख दी नेगेटिव प्लेट, एक तरफ हमने रख दी पॉजिटिव प्लेट, तो जब ये कैथोड रेज निकल रही थी तो ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रही थी. एंड वन मोर बेसिक थिंग, इस चैप्टर की बेसिक थिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक रूल है बेसिक, दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट. ये तो हम सबको ही पता है, दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. या फिर आपकी जो एनसीईआरटी की बुक जो है उसके अंदर जो हमें अच्छे से दिया गया है वो ये ही है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब पॉजिटिव, मतलब कैथोड रेज जब मूव कर रही थी, रेज निकली तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ गई, मतलब कि क्या हुआ कि ये पॉजिटिव चार्ज की हुई तभी ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और पॉजिटिव को रिपेल कर रही है.
नेक्स्ट थिंग इज दिस, दे आर कंपोज ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स. इनके अंदर कुछ स्मॉल मटेरियल पार्टिकल्स प्रेजेंस होने की आशंका जताई गई. दे कॉज हीटिंग इफेक्ट व्हेन दे स्ट्राइक मैटर. दिस प्रूव्स दैट दे पजेस काइनेटिक एनर्जी विच इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. मतलब ये क्या करते हैं, हीटिंग इफेक्ट इनके अंदर कुछ प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से क्या है, इनके अंदर का जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है. ओके, नेक्स्ट इज दे कॉज फ्लोरेसेंस व्हेन दे स्ट्राइक ग्लास एंड अदर सब्सटेंस लाइक ग्लास. मतलब जब भी इस एक्सपेरिमेंट को एक अदर तरीके से भी परफॉर्म किया गया, यहाँ पे जहाँ पे एनोड यूज किया गया है वहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग, यहाँ पे एक होल बना के जिंक सल्फाइड की कोटिंग यूज की गई. जैसे कैथोड रेज यहाँ गई वो जिंक सल्फाइड को स्ट्राइक कर रही थी और लाइट प्रोड्यूस हो रही थी. ये हम आगे स्टडी करेंगे जब प्रोटोन की डिस्कवरी आएगी. ओके, नेक्स्ट इज दे हैव फोटोग्राफिक इफेक्ट. मतलब दे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट. फोटोग्राफिक प्लेट जो है उनको भी इफेक्ट करती है, यानी जिंक सल्फाइड की प्लेट जब बनाते हैं तो उस पर हमें लाइट शो करते हैं. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन सब प्रॉपर्टीज से, कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज थी इन सब से हमें पता चल गया कि एक कुछ कैथोड रेज निकल रही हैं. ओके, पॉजिटिव चार्ज की हैं वो, मतलब पॉजिटिव नेचर है उनका. ओके, पॉजिटिव चार्ज नेचर है उनका. एंड जो है स्ट्रेट लाइन के अंदर वो मूव करती हैं. इनको पहले तो कैथोड रेज नाम दे दिया गया, बाकी जब बाद में इनके बारे में कंप्लीट स्टडी की गई तब इन्हें जो है इलेक्ट्रॉन नेम दिया गया. ओके, इलेक्ट्रॉन जब हमने स्टडी की तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी गई. ई बाय एम रेशियो. ओके, ई बाय एम रेशियो या फिर हम यूं कहें स्पेसिफिक चार्ज जो है वो निकाला गया इलेक्ट्रॉन्स का थॉमसन एक्सपेरिमेंट से, तो वो था -1.76 × 10⁸ कूलम्स पर ग्राम. ई बाय एम, यहाँ पे ई क्या है, ई जो है यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल चार्ज. ओके, इलेक्ट्रिकल चार्ज. और m जो है वो है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, e जो है यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल चार्ज और m जो है यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको कैलकुलेट करके स्पेसिफिक चार्ज कहा जाता है. उसकी वैल्यू ये है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो देखा गया वो था 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, देन 4.8 × 10⁻¹⁹ ESU. और जो है यूनिट चार्ज होता है, यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है इसके अंदर. ओके, देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो स्टडी किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.1 × 10⁻³¹ kgs, 9.1 × 10⁻²⁸ ग्राम्स. kgs और ग्राम्स का फ़र्क है, बाकी वैल्यू में यहाँ पे पार का फ़र्क है, बाकी 9.1 ही है. दूसरा 1/1837 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन, यानी इनका मास जो है 1/1837 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन होता है. AMU के अंदर जब इनका मास देखा गया यूनिट के अंदर तो 0.00548 AMU, और हमें पता है 1 AMU जो होता है 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम्स होता है. ओके, ये थे इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, उसका एक्सपेरिमेंट कैसे यूज़ किया गया. ओके, ये था कंप्लीट इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी. अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन. ओके, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी देखी गई तो जब कंप्लीट एक एटम का जो मास था उसको जब कैलकुलेट किया गया तो वो कंप्लीट जो इलेक्ट्रॉन का मास मान लेते हैं हम तो कंप्लीट एटम के मास के बराबर नहीं आ रहा था. तो इसलिए उन्होंने सोचा मींस इसके अंदर कुछ और भी प्रेजेंट है. तो जब देखा गया कि इसके अंदर कुछ और भी प्रेजेंट है तो उसके बाद में स्टडी की गई डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन. प्रोटोन तो हम इसे अभी नाम दे रहे हैं, पहले इसका नाम प्रोटोन नहीं था. ओके, पहले इसे जो है कुछ और नेम से जाना जाता है, जैसे एनोड रेज, कैनाल रेज, पॉजिटिव रेज. चलिए इसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट स्टडी करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था. ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल जो है उसके जैसा ही है जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन के इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ किया गया था. इसको जो है डिस्कवर किया था गोल्ड स्टिंग ने 1886 के अंदर. ओके, इसकी डिस्कवरी की थी गोल्ड स्टिंग ने 1886 के अंदर. नाउ अब हम देखते हैं आगे इसमें एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म किया था. ये कोई भी एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ठीक है, उसके अंदर जो है परफोरेटेड कैथोड रख दिया, यानी कि यहाँ से क्या है कैथोड रेज निकलेंगी. ओके, ये है हमारा एनोड एंड, यहाँ पे प्रेजेंट है एनोड. ये है जिंक सल्फाइड की कोटिंग, ये है परफोरेटेड कैथोड्स. ओके, और ये हमारी एक ट्यूब है. यहाँ से जो है इसको एक बैटरी से ज्वाइन किया गया,
ओके, जैसे ही हमने देखा कि बैटरी को स्टार्ट कर दिया गया तो परफोरेटेड कैथोड रेज, जैसे कि पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में कैथोड रेज निकलती हैं और एनोड की तरफ मूव करती हैं, यहाँ से कुछ रेज निकल रही हैं वो इस तरफ मूव कर रही हैं और कुछ रेज जो हैं यहाँ पे भी आ रही हैं. ओके, कुछ रेज यहाँ पे आती हैं और जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग है उसको स्ट्राइक कर रही हैं. ओके, मतलब कुछ रेज वहाँ भी मूव कर रही हैं एनोड की तरफ और कुछ जो है आकर जिंक सल्फाइड की कोटिंग पर भी जो है स्ट्राइक कर रही हैं, जिस वजह से वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है. मतलब ये एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस जो है स्टडी किया गया था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्टडी किया गया, इसका कुछ चेंजमेंट करके जो है परफोरेटेड कैथोड ऐड करके इसके अंदर जो है ये कंप्लीट स्टडी किया गया इसको. तो इसमें पता चला कि यहाँ पे कैथोड रेज, ये तो हो गई कैथोड रेज, यहाँ पे जो उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो रेज निकल रही थी इन्हें कह दिया गया कैथोड या कैथोड एनोड रेज. ओके, पॉजिटिव रेज, ओके पॉजिटिव रेज या फिर कैनाल रेज. ओके, और पॉजिटिव रेज, ठीक है, इन्हें कह दिया गया पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज या फिर जो है कैथोड एनोड रेज, बिकॉज ये रेज जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही थी. ओके, तो इसके बारे में स्टडी किया गोल्डस्टीन ने. इसके अंदर जो यूज़ किया गया था वो क्या क्या था, एनोड, ओके, जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी इसके अंदर, ठीक है, परफोरेटेड कैथोड था इसके अंदर, देन बैटरी. ओके, लास्ट एट द एंड जब इसके बारे में स्टडी किया गया तो स्टार्टिंग में जैसे प्रोटॉन्स को जैसे इलेक्ट्रॉन्स को नेम दिया गया था कैथोड रेज, वैसे ही जो है प्रोटॉन्स को बाद में इसको कैनाल रेज को जो है बाद में नेम दे दिया गया था प्रोटॉन्स. ओके, इनकी प्रॉपर्टीज़ को जान के तो हम इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं. जब प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ देखी गई तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन में उसका मास देखा गया. इसका मास जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है टू द हाइड्रोजन एटम. ओके, ग्राम्स में जब देखा गया तो 1.672 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, 1.672 × 10⁻²⁷ किलोग्राम्स, AMU यूनिट्स में 1.00728 AMU. इसका चार्ज जो है वो है इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स. नेचर जो है वो अपोजिट है लेकिन चार्ज जो है वो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स की जो साइन है वो अपोजिट हो सकता है. नेक्स्ट 1.62 × 10⁻¹⁹ कूलम्स, 4.8 × 10⁻¹⁰ ESU यूनिट्स में इसका चार्ज था. नेक्स्ट E by M यानी स्पेसिफिक चार्ज जो है प्रोटॉन का वो है 9.54 × 10⁴ कूलम पर ग्राम्स. ओके, जब प्रॉपर्टीज़ देखी गई कैनाल रेज की या एनोड की या पॉजिटिव रेज की तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज थी, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. कैथोड रेज की तरह ये भी स्ट्रेट लाइन के अंदर ही ट्रैवल करती हैं. कैसे पता चला, जैसे कि पीछे प्रोटॉन्स के अंदर हमने देखा था कि वो शेडो वाला एक्सपेरिमेंट किया था कि शेडो बन रही हैं उनके पीछे, वही एक्सपेरिमेंट इसमें परफॉर्म किया, मतलब ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं. दे आर डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. मतलब जिस डायरेक्शन में कैथोड रेज मूव कर रही हैं ये हमेशा उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती थी, ठीक है, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो. देन नेक्स्ट जो था, दे कॉन्स्टिट्यूट मटेरियल पार्टिकल्स. कैथोड रेज की तरह ये भी कॉन्स्टिट्यूट करती है मटेरियल पार्टिकल्स. दे पजेस हीटिंग इफेक्ट, इनके अंदर भी हीटिंग इफेक्ट होता है. दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स द नेगेटिव पोल. ओके, जब हमने जो है इलेक्ट्रॉन्स का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो उस वक्त कैथोड रेज जो थी वो नेगेटिव एंड की तरफ मूव कर रही थी. देखिए यहाँ पे नेगेटिव एंड की तरफ मूव कर रही थी, लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन्स के लिए परफॉर्म किया गया, तो उस वक्त जो ये रेज हैं ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही थी. ये है पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये मूव कर रही थी. इससे हमें पता चला कि इनका साइन जो है वो इलेक्ट्रॉन से अपोजिट है. ओके, देयर नेचर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब. इनका जो नेचर है वो जो भी गैस प्रेजेंट होगी डिस्चार्ज ट्यूब में उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऐसा नहीं था. उसका जो नेचर था वो गैस और जो हाई वोल्टेज था उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा था. ओके, सो दिस वॉज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन की स्टडी जो है गोल्डस्टीन ने की थी
कंप्लीट ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, प्रॉपर्टीज़ देखी गई थी, ओके कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज़ देखी गई थी. नाउ नेक्स्ट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. ओके सो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है उसके बारे में स्टडी करने से पहले मैं आपको हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बताना चाहूँगी. हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन क्यों किया गया? बिकॉज सबसे पहले जो था, जब भी एक एटम जो था, एक एटम का कंप्लीट मास जब देखा जाता था, ओके ये एटम है, इसका जब मास कैलकुलेट किया जाता था, तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन इन दोनों का मास जब कंबाइन कर लिया जाता था, तो वो भी जो है एटम के मास के इक्वल नहीं होता था. मीन्स जो टोटल मास जो होता था इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का, जब दोनों को कंबाइन कर दिया जाता था, तो वो जो एटम का टोटल मास होता था उसके भी कंप्लीट इक्वल नहीं होता. ठीक है, इसलिए जो है हमेशा जो एटम का मास था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कंबाइन मास से भी ज़्यादा होता था. इसलिए जो है देखा गया कि शायद इसके अंदर कुछ अनदर मटेरियल भी, अनदर सब पार्टिकल भी कुछ प्रेजेंट है. ओके इसलिए जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखा गया, अनदर सब पार्टिकल भी प्रेजेंट है इसके अंदर. तो इसके लिए क्या है, एडिशन टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अनदर सब पार्टिकल माइट आल्सो बी प्रेजेंट. फिर क्या है, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था, जब भी इसके लिए एक्सपेरिमेंट, कुछ वेरियस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए. उन एक्सपेरिमेंट्स में जो है गामा रेज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमने देखा कि कैथोड रेज हमने देखी थी, प्रोटॉन के लिए जो है हमने कैनाल रेज नेम दिया था, वैसे ही जब न्यूट्रॉन का कर रहे तो गामा रेज जैसा कुछ उन्हें फील हुआ कि शायद गामा रेज हो सकती हैं ये, बट दैट वाज नॉट गामा रेज. बिकॉज जब उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी की गई तो देखा गया कि जो गामा रेज जो होती हैं उन वो जो थी चार्ज लेस थी, मतलब जो जब उनको स्टडी किया गया न्यूट्रॉन को, तब सबने सोचा शायद ये गामा रेज हैं, बिकॉज ये क्या थी, चार्ज लेस थी. ओके गामा रेज चार्ज लेस होती हैं, तो उन्होंने सोचा शायद ये गामा रेज हो सकती हैं जिसकी वजह से जो है मास में डिफरेंस आ रहा है. लेकिन बाद में उसके जब और कैरेक्टर्स को फॉलो किया गया, और कैरेक्टर्स को स्टडी किया गया, तब देखा गया कि जो है ये प्रॉपर्टीज जो है गामा रेज से कुछ मैच नहीं हो रही हैं. इसके बारे में जो है स्टडी की थी जेम्स चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने जो है इसके बारे में स्टडी किया था. ओके उन्होंने कुछ फर्दर कैरेक्टर्स देखे गामा रेज के, जैसे कि दीज रेडिएशंस हैव नो चार्ज, इनमें चार्ज नहीं था, गामा रेज में भी चार्ज नहीं था, लेकिन देवर हाईली पेनिट्रेटिंग. जो ये रेज निकल रही थी, एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म कर रहे थे, वो उसमें क्या है, वो बहुत ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग थी, लेकिन गामा रेज जो होती हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग नहीं होती हैं. गामा रेज हाईली पेनिट्रेटिंग नहीं होती हैं, इसलिए जो है इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया. अब हम जानते हैं क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था. ये है एक लेड कैविटी, जो ये बॉक्स टाइप बना हुआ है, ये है एक लेड कैविटी, या फिर हम इसे कह सकते हैं लेड बॉक्स. ओके इसके अंदर जो ये डॉट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सोर्स है ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स. अब जब सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स हम नाम लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में स्ट्राइक होता है या तो हीलियम, या फिर पोलोनियम. ओके हम यहाँ पे हीलियम या पोलोनियम यूज़ कर सकते हैं. ओके ये है बेरिलियम और ये है डिटेक्टर. यहाँ से जब सोर्स से अल्फ़ा पार्टिकल्स निकले, अल्फ़ा पार्टिकल्स जब यहाँ से निकले और बेरिलियम तक आए, बेरिलियम तक आके यहाँ से, जैसा कि मैंने बताया कि वो रेज जब निकलती है वो बहुत ज़्यादा हाईली पेनिट्रेटिंग थी, वो पेनिट्रेट करती हैं और पेनिट्रेट करके डिटेक्टर के पास में आती हैं. ठीक है, वो रेज जो है यहाँ पेनिट्रेट करके डिटेक्टर में आती हैं, बाद में उनको स्टडी किया गया डिटेक्टर के अंदर. ओके तो इसके लिए जो रिएक्शन यूज़ की गई थी, सबसे पहले इसको स्टडी किया था जेम्स चैडविक ने. ओके जेम्स चैडविक ने हीलियम को जब यूज़ किया अल्फ़ा पार्टिकल्स के लिए, तो जो उसकी रिएक्शन थी वो ये थी, Hg+2+2 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर यू कह सकते हैं Hg2N4. ओके देन हीलियम को एज अ अल्फ़ा पार्टिकल्स के सोर्स के लिए यूज़ किया गया था. मास जो होता है हीलियम का,
ये है हीलियम का मास जो कि 4 AMU के बराबर है, और ये है हीलियम का चार्ज जो कि है +2। ओके, तो जो रिएक्शन, जो कंप्लीट रिएक्शन इसके अंदर फॉलो हो रही थी या इस प्रोसेस के अंदर जो कंप्लीट रिएक्शन चल रही थी वो थी ये, हमने यूज़ किया हीलियम को। इसे प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, हीलियम को हमने यूज़ किया, ये इसका हो गया मास और यह है इसका चार्ज, और बाद में हमने आगे यूज़ किया बेरिलियम, ठीक है, यह है इसका मास और यह है इसका चार्ज। हीलियम को हमने यूज़ किया एज़ फॉर अल्फ़ा पार्टिकल्स, ओके, ये बेरिलियम। जब रिएक्शंस करवाई गई तो यहाँ पे मतलब जब अल्फ़ा पार्टिकल्स बेरिलियम को स्ट्राइक करते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं कार्बन में, ये है इसका मास और ये हो गया इसका चार्ज। फिर जो है हमें यहाँ पे मिलता है एक और सब पार्टिकल जिसे नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। दिस इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन दिस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट, ओके, इसको नाम दे दिया गया न्यूट्रॉन। नाउ इट इज़ कम्प्लीटली बैलेंस्ड, यू कैन हैव अ लुक टू इट, ये कम्प्लीटली बैलेंस है। हीलियम को हमने अल्फा पार्टिकल में लिया, ये बेरिलियम था, ये कार्बन के फॉर्म में चेंज हो जाता है और ये है न्यूट्रॉन हमें मिलता है। इसके बाद में जो है कन्फर्म हो गया था कि एक एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। सबसे ज़्यादा खास चीज़ जो देखी गई जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर गामा रे से मैच हो रही थी वॉज इट इज़ चार्जलेस, यानी कि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, इनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो होता है इनका चार्ज, इसलिए जो है ये गामा रे से मैच हो रही थी, बिकॉज गामा रेज भी क्या होती हैं, चार्जलेस होती हैं। इसलिए साइंटिस्ट जो थे बहुत से जो इसके बारे में स्टडी कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए थे दैट वेदर इट इज़ गामा रेज और इट इज़ न्यूट्रॉन। बाद में इसको नेम दे दिया गया न्यूट्रॉन। फिर जब इसके मास के बारे में स्टडी किया गया, इसका मास है 1.675 × 10⁻²⁴ ग्राम्स, 1.675 × 10⁻²⁷ ग्राम्स, 1.00867 AMU। चार्ज जो था, स्पेसिफिक चार्ज जो है इसके अंदर हमें पता ही है इसका चार्ज क्या है, ज़ीरो है। ओके, नाउ कंक्लूजन, इलेक्ट्रॉन देख लिया हमने, प्रोटॉन देख लिया हमने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देख ली, तीनों की डिस्कवरी देख ली, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट से इन्हें डिस्कवर किया गया। अब जैसा कि मैंने कहा, हमने बेस बना लिया है कि हमें घर कहाँ बनाना है, हमने ज़मीन ढूंढ ली है कि घर कहाँ बनाना है, अब हमें जो है उसके इंटीरियर्स का डिसीजन लेना है कि अब हमें इंटीरियर्स जो हैं कहाँ कहाँ, हमें क्या क्या, कौन कौन सा रूम या क्या क्या चीज़ जो हमें कहाँ बनानी है। उसके लिए जो है काफ़ी सारे एटॉमिक मॉडल्स दिए गए, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटॉमिक मॉडल दिए। सबसे पहला मॉडल था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम के अंदर जो था, सबसे पहले ये थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को जो है प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहा गया। ओके, थॉमसन्स जो ओके जे जे थॉमसन जो है उन्हें अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 फॉर हिज थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। ओके, जे जे थॉमसन ने जो है एक मॉडल भी दिया था, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल इन्हें क्यों कहा जाता है? प्लम पुडिंग इसलिए होता है कि पुडिंग्स जो होती हैं एक तरीके की स्वीट होती हैं जिसके अंदर जो है कुछ जो है चॉकलेट्स वगैरह यूँ कह सकते हैं उसके अंदर मिड में प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से वाटरमेलन जो होता है, हमें पता है वाटरमेलन है, उसके अंदर बीच में क्या है, कुछ उसकी सीड्स प्रेजेंट होती हैं। उसी तरीके से जो है थॉमसन ने इस जो मॉडल को नेम दे दिया वाटरमेलन मॉडल, बिकॉज ये वाटरमेलन मॉडल जो है उन्होंने को रिलेट किया कि भाई मॉडल के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन कैसे प्रेजेंट होते हैं। ओके, इन्होंने बताया कि जो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ शो हो रहा है, ये क्या है, एक एटम है, स्पेयर है पॉजिटिवली चार्ज का, जिसके अंदर क्या है नेगेटिवली चार्ज जो है कम्प्लीटली एम्बेडेड है और जगह जगह क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थॉमसन मॉडल ने यही बताया था कि दिस इज़ एन एटम इज़ अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जिसके अंदर क्या है नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या है कम्प्लीटली एम्बेडेड है इसके अंदर, ठीक है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। बट ये मॉडल जो है काफ़ी ज़्यादा फॉलो नहीं हो
पाया था, ये यूँ कहें ज़्यादा जो है इसको नहीं मिले थे, अटेंशन नहीं मिल पाई बिकॉज इसके कुछ फेलियर थे कि दिस वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि एग्जैक्ट पोजिशन जो है प्रोटोन्स की, न्यूट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन्स की एग्जैक्ट पोजिशन जो है स्फेयर के अंदर या एटम के अंदर वो क्या है, वो जो है जे थॉमसन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ये इसका फेलियर था। और इन्होंने जो है एक एडवांटेज भी दिया था आगे जो है रूल्स बताने के लिए, ये यूँ कहें कि आगे डिफरेंट मॉडल्स को स्टडी करने के लिए उन्होंने एक एडवांटेज ये बताया कि इसके अंदर जो है ओवरऑल न्यूट्रैलिटी प्रेजेंट होती है एटम के अंदर, यानी कि एक एटम के अंदर ओवरऑल न्यूट्रैलिटी प्रेजेंट होती है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटोन जो है वो सब इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ द मास ऑफ एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। ये था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ओके, इसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आया, जिसके थ्रू रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिली। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के अंदर इसको हमने क्या है एक और नाम भी दिया हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, इसके अंदर क्या था, ये एक गोल्ड की फॉइल है, ठीक है, थिन गोल्ड की फॉइल है, सॉरी ये तो एक फोटोग्राफिक प्लेट है, इसके अंदर जो है एक गोल्ड फॉइल प्रेजेंट है, बहुत थिन गोल्ड फॉइल है ये। ओके, ये जो है ये है एक लेड प्लेट, ठीक है, और ये जो है हमारा सोर्स है। ओके, ये सोर्स है, ये लेड प्लेट है और ये फोटोग्राफिक प्लेट है थिन, और ये गोल्ड फॉइल है, यहाँ पे जो है ये जिंक का कोटेड है, जिंक सल्फाइड से कोटेड है, ZnS से कोटेड है, ठीक है। जैसे ही सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स निकले, ठीक है, अल्फा पार्टिकल को क्या है थिन गोल्ड फॉइल पे जो है बॉम्बार्ड करवाया गया लेड प्लेट के थ्रू, जब लेड प्लेट के थ्रू इन्हें बॉम्बार्ड करवाया गया गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो इसे नाम दे दिया गया एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये कंप्लीट सेटअप था एक्सपेरिमेंट का कि भाई सोर्स है, सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकले, लेड से पास हुए, लेड से पास होने के बाद में गोल्ड फॉइल के ऊपर जाकर हिट करते हैं, उस पर बॉम्बार्ड होते हैं। अब इसके जो रिजल्ट्स थे वो क्या थे, देखिए जैसे ही जो है अल्फ़ा पार्टिकल्स को हमने बॉम्बार्ड करवाया, किस पे हमने अल्फ़ा पार्टिकल्स को जैसे ही गोल्ड फॉइल पे बॉम्बार्ड करवाया, तो हमें क्या मिला, जैसे ही हमने उसको बॉम्बार्ड करवाया अल्फ़ा पार्टिकल्स को जो है गोल्ड फॉइल पे, हमें एक रिज़ल्ट देखने को मिला। वो रिज़ल्ट ये था कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट निकला वो ये था कि ये एक एटम है। ओके, एटम के अंदर जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को या मतलब जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल जो थी उस पर बॉम्बार्ड करवाया गया, तो हमें देखने को मिला कि कुछ तो है उससे एटम से पास हो रही थी अल्फ़ा पार्टिकल्स, यानी कुछ तो जाके जो है स्ट्राइक कर रही थी, कुछ तो जो ये फोटोग्राफिक प्लेट है यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रही थी, जैसे ये यहाँ से आती हैं और ये यहाँ आके यूँ स्ट्राइक कर जाती हैं। ओके, ऐसे इसी तरीके से नेक्स्ट आती है और यहाँ आके यूँ स्ट्राइक कर जाती हैं, कुछ तो सीधी स्ट्राइक कर रही थी, ओके, कुछ ऊपर नीचे स्ट्राइक कर रही थी, कुछ जो थी वापस रिवर्स बैक हो रही थी, कुछ वापस पीछे जा रही थी, और कुछ जो है डाइवर्ट मींस कुछ तो उससे पास हो रही थी, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही थी, और कुछ उसी पाथवे से वापस जो है बैकवर्ड मूव कर रही थी। इस पूरे कंप्लीट रिजल्ट से हमें पता चला कि जो न्यूट्रॉन होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो एटम के सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, ये मॉडल जो था सबसे ज़्यादा माननीय था, सबसे ज़्यादा माना गया मॉडल था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है इस मॉडल ने ये बताया कि इसके अंदर दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पार्ट्स मींस इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है ये जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट जो यहाँ दिखाया है मैंने आपको, इसके अंदर दो पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला तो है न्यूक्लियस और दूसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इट इज़ द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट ऑफ एन एटम सिचुएटेड एट द सेंटर। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लोन्स। ठीक है, इसके अंदर क्या न्यूक्लोन्स हो गया, हैंस द वर्ड न्यूक्लियस अटेंडेड विद देम ऑलमोस्ट होल मास ऑफ एटम इज कंसनट्रेटेड ऑन द न्यूक्लियस। होल मास ऑफ एटम जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है, वो हो गया न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या होता है,
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट क्या है, इट इज़ द एम्प्टी पार्ट ऑफ एटम, जिसके अंदर ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ये कंप्लीट जो आपको यहाँ शो किया गया जो सीधे रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, जिसके अंदर क्या है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है नेगेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड क्या है रिवॉल्व कर रहे होते हैं एट अ हाई वेलोसिटी सच दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड जब रिवॉल्व कर रहा है तो मतलब हर एक पार्ट पे जहाँ पे हाई वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू क्या है बैलेंस कर दिया जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू क्या है उसको कम्प्लीटली बैलेंस कर दिया जाता है एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। द वॉल्यूम ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, वॉल्यूम ऑफ एटम जो होगी वो हमेशा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पे डिपेंड करेगी। दिस मॉडल ऑल्सो रिजेंबल्स द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ओके, मोशन जो होते हैं प्लैनेट्स का, सन के अराउंड जो भी प्लैनेट्स मोशन करते रहते हैं मूव करते रहते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इस मॉडल को बनाया गया, इस मॉडल को उसके जो है रिजेम्बलेंस में शो किया गया। जैसे थॉमसन मॉडल को जो है प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल कहा गया, वैसे इस मॉडल को जो है कहा गया कि ये रिजेम्बल करता है मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ऐसा नहीं है कि इस जो है के अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं थी, बिल्कुल थी। इसके अंदर लिमिटेशन ये थी कि मैक्सवेल, कॉर्क मैक्सवेल जो था उनका एक रूल था कि एक चार्ज पार्टिकल जब भी मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अट्रैक्टिव फोर्स, जैसे कि न्यूक्लियस के अराउंड जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको क्या है कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब मैक्सवेल, कॉर्क मैक्सवेल का रूल था कि जब भी कोई भी एक चार्ज पार्टिकल, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स की इन्फ्लुएंस से अगर कंटिन्यूसली किसी के अराउंड मूव कर रहा है तो उसकी एनर्जी जो है कंटिन्यूसली लूज होनी चाहिए, जिस वजह से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड वो क्या करेगा अपनी कंटिन्यूसली एनर्जी लूज करता रहेगा, जिस वजह से क्या होगा इसका पाथ जो है वो छोटे से छोटा होता जाएगा। मतलब जितने वो रिवॉल्व करता रहेगा वैसे वैसे वो ज़्यादा छोटा होता जाएगा एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस है एट लास्ट उस न्यूक्लियस के अंदर जाके क्या है मिक्स हो जाएगा, उसी के अंदर जाके कंबाइन हो जाएगा। ये कंप्लीट जो है वो रदरफोर्ड मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लेट मी अगेन रिपीट इट अगेन कि कॉर्क मैक्सवेल का जो मतलब ये लिमिटेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा गया है लिमिटेशन को। मतलब कॉर्क मैक्सवेल जो है उन्होंने ये कहा था कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है ये अगर किसी भी अट्रैक्टिव फोर्स के इन्फ्लुएंस से किसी के अराउंड रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी लूज करना चाहिए। अब जब वो एनर्जी लूज करता है तो जैसे जैसे वो यहाँ रिवॉल्व करता है तो उसकी जो है एनर्जी लूज होनी चाहिए, अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो उसका पाथ जो है छोटे होते जाना चाहिए। अब अगर छोटा होता जाएगा तो वो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो न्यूक्लियस के साथ में कंबाइन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है, वो रदरफोर्ड मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, एक और जो है दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम जो है वो भी ये मॉडल कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। हमने स्टडी किया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। उस डिस्कवरी के दौरान हमने स्टडी किया कि मतलब हमने सब पार्टिकल्स देख लिए एटम के। उस डिस्कवरी के दौरान हमने देखा कि जो है डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स जो थे मतलब मॉडल्स ऑफ एटम्स हैं उनको कैसे एक्सप्लेन किया गया था। ओके, दिस वॉज द कम्प्लीट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है मैं थर्सडे को अपलोड करूँगी। होप यू वुड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस करें, जिससे क्या है मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो आप उससे नोटिफाई हो जाएंगे। सो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, टेक केयर। एंड केमिस्ट्री बिल्कुल हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ज़रूरत है तो इसे थोड़ा डीप में पढ़ने की, थोड़ा सा इसे हमारी जो यूजुअली लाइफ होती है उससे को रिलेट करने की। अगर आप को रिलेट करेंगे तो केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। सो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।